शालिनी किचन में आपका स्वागत है और आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर का हलवा। तो गाजर का हलवा बनाने के लिए पहला इंग्रेडिएंट्स देखेंगे। इसके लिए हमें चाहिए 7-8 किसे हुए गाजर, ग्रेट किए हुए, और 2 कप चीनी, कटे हुए काजू, बादाम और इलायची, छोटी इलायची पाउडर, 1 ग्लास दूध, 2-3 चम्मच घी और मावा 1 कप। तो सबसे पहले हम कढ़ाई में घी डालेंगे। अब घी गर्म हुआ है, अब हम एक गाजर इसमें डालेंगे, ताकि गाजर में बहुत मॉइस्चर होता है, वो निकालने के लिए हमें थोड़ा गर्म करना पड़ेगा, घी में सेकना पड़ेगा। देख सकते हैं इसका मॉइस्चर कम हुआ है अभी, तो अब इसमें हम चीनी डालेंगे। चीनी से क्या होगा, इसका कलर है गाजर का, तो कलर आएगा उसका और भी अच्छा कलर आता है। तो अभी हम इसमें मावा डालेंगे, आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हुआ है। चीनी कम डाले तो ठीक है, क्योंकि ज्यादा मीठा होगा, फिर कुछ गाजर अभी मीठे भी होते हैं। अभी हम इसमें दूध डालेंगे, इसे ढक के रखेंगे, ढक देंगे थोड़ी देर। अब देखेंगे हम इसमें मॉइस्चर, जो अब काफी सूखने लगा है। अभी इसमें हम छोटी इलायची डालेंगे, गाजर भी लगभग पक रही है। अब हम इसमें नट्स डालेंगे, इसमें हम काजू के टुकड़े डालेंगे, लेकिन ध्यान रखें काजू में कैलोरी ज्यादा होने के कारण फैट ज्यादा होती है, फिर भी नट्स अच्छे माने जाते हैं। अब इसमें हम चाहे तो मावा बाद में आप डाल सकते हैं, लेकिन टेस्ट में बहुत फर्क होता है, इसलिए मैंने मावा पहले डाला है, चाहे तो आप मावा लास्ट में अभी डाल सकते हैं। अभी आपको इसे हिलाते रहना है। वैसे तो गाजर 12 महीने अवेलेबल होते हैं, किंतु जो विंटर सीजन में गाजर होते हैं उसमें मिठास ज्यादा होती है, तो फिर उस हिसाब से, सीजन के हिसाब से आप उसमें चीनी डालेंगे। अब हम देखेंगे, देखिए इसका भी गाजर हमारा तैयार हुआ है, गाजर का हलवा। तो आप देख सकते हैं हमारा गाजर का हलवा बनके तैयार है। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है, ये वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।